मौजूदा राजनीतिक हालातों से कैसे निपटा जाए, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मंगलवार को 10 जनपद पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक सुबह 9 बजे शुरू हुई और करीब 11:15 बजे तक चली। कयास थे कि इस बैठक में सरकार के नए चेहरे को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन हुआ उम्मीद से परे। बैठक में सरकार द्वारा हाल में लिए गए कड़े फैसलों की समीक्षा की गई। बैठक में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि देश के आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े हैं। देश में ज्यादा पैसा आए जिससे कि रुपए की कीमत और आगे न घटे, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज है कि हमारा उत्पादन बढ़े, इससे इन्फ्लेशन पर रोक लगती है। और तीसरी चीज है सब्सिडी पर कंट्रोल किया जाए। ये जो कदम इस बीच सरकार ने उठाए हैं वो इसी को ध्यान में रख करके उठाए हैं। वहीं बैठक में यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी माना कि देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने सही कदम उठाए हैं। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने उन अटकलों को भी विराम दे दिया जिनमें बैठक में सरकार के नए चेहरे पर माथापच्ची होने की बात कही जा रही थी। इस बात पर उन्होंने भी जोर दिया कि जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो तब तक सही ढंग से लागू नहीं हो सकते जब तक हमारी इकॉनमी साउंड नहीं रहेगी, हमारी स्थिति सुदृढ़ नहीं रहेगी। सरकार इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अब अहम सवाल ये कि क्या केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल टल गया है या फिर कांग्रेस प्रवक्ता की सफाई बैठक में अंदर खाने लिए गए फैसलों को दबाने की कोशिश। साफ है सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति को उजागर नहीं करना चाहती। रिपोर्ट न्यूज़ पर।